सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ पाँच, सच्ची मित्रता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान दो। बच्चों, कल हमने व्याख्यान एक में पाठ पाँच सच्ची मित्रता का अध्ययन किया था, तो बच्चों आज हम व्याख्यान दो में पाठ पाँच सच्ची मित्रता को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे तथा उससे संबंधित कठिन शब्द और थोड़ा सा अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। यूनान की राजधानी एथेंस में दो मित्र रहते थे, एक का नाम पिथियस और दूसरे का नाम डामन था। डामन और पिथियस नाम के दो सच्चे दोस्त थे। वे यूनान की राजधानी एथेंस में रहते थे। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। किसी बात पर बादशाह डामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दंड का अर्थ है सजा। डामन निर्दोष था। निर्दोष का अर्थ है जिसका दोष न हो, परंतु अत्याचारी राजा ने उसकी एक ना सुनी। अत्याचारी का अर्थ है क्रूर। इस कहानी में बादशाह बहुत ही क्रूर था। वह छोटी छोटी गलती पर फांसी की सजा दे देता था। फांसी देने से पहले डामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, डामन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? डामन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। क्योंकि डामन को फांसी देने के बाद डामन की मृत्यु हो जाती और वह अपने परिवार से न मिल पाता, इसलिए उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई थी कि वह अपने परिवार से मिलना चाहता है। राजा ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाजत दी जा सकती है। इजाजत, इजाजत का अर्थ है आज्ञा, कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार हो। राजा ने डामन के सामने एक शर्त रखी, अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार होगा, तभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए दो कुछ दिनों की छुट्टी दी जाएगी। डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। तो डामन का सच्चा मित्र कौन था? पिथियस। तो डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। डामन ने पिथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पिथियस तुरंत आ गया। डामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिल लूं। पिथियस तैयार हो गया, क्योंकि पिथियस डामन का सच्चा मित्र था। राजा ने आदेश दिया, डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पिथियस को जेल में डाल दिया जाए। आखिरी का अर्थ है अंतिम। अब डामन अपने परिवार से मिलने की तैयारी कर रहा था और उसकी जगह किसे जेल में डाल दिया जाएगा? उसके मित्र पिथियस को। फांसी के दिन यदि डामन हाजिर न हो पाया, हाजिर का अर्थ है उपस्थित, तो उसकी जगह पिथियस को फांसी दे दी जाएगी। इधर पिथियस
जेल चला गया। किसकी जगह पर? डामन की जगह पर। और उधर डामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर डामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। अतः जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पिथियस खुश था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। डामन और पिथियस सच्चे दोस्त थे। वे हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। उधर डामन यह सोच रहा था कि मैं समय पर ना पहुंच सका तो मेरे दोस्त पिथियस को फांसी हो जाएगी, और इधर पिथियस मन ही मन में यह सोच रहा था कि आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। इधर डामन सोच रहा था, हाय मैं कितना दुष्ट हूँ, अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में बहुत तेज आंधी चलने लगी, जिसके कारण डामन को नाव चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, बेचारा पिथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है, डामन ने अपने मित्र को धोखा दिया है, वह धोखेबाज निकला। सभी लोग पिथियस का कान भर रहे थे। किसके लिए? उसके सच्चे मित्र डामन के लिए, कि डामन ने तुम्हें धोखा दिया है, वह समय पर नहीं आ पाया है क्योंकि वह धोखेबाज है। पिथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्लाद से कहा, जल्लाद का अर्थ है फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति। उसने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो, समय हो गया है, अब मुझे फांसी दो। क्योंकि पिथियस जानता था कि डामन किसी कारणवश वहां पर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन लोग बार बार पिथियस को डामन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिथियस उनकी बातों को अनसुना कर रहा था। उसने वहां खड़े जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो, समय हो चुका है, मुझे फांसी पर लगाओ। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा एक घुड़सवार। घुड़सवार का अर्थ है घोड़े पर सवार करने वाला। एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, मैं डामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है, गलती मुझसे हुई है, तो इसकी जगह पिथियस को फांसी की सजा नहीं मिल सकती, अब मैं आ चुका हूँ। डामन पास आ गया। डामन के पास आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डामन समय पर जेल में पहुंच सके, ताकि उसके दोस्त को ही फांसी की सजा मिल जाए। वह मित्र के लिए अपने प्राण नौछावर करना चाहता था। प्राण नौछावर करना का अर्थ है जान दे देना। वह अपने मित्र डामन के लिए अपने प्राण देना चाहता था। डामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे, लेकिन पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों
लड़ने झगड़ने लगे। दामन शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, लेकिन पिथियस की शादी नहीं हुई थी। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों दोस्त आपस में लड़ने झगड़ने लगे। दामन कहने लगा कि गलती मुझसे हुई है, फांसी की सजा मुझे होनी चाहिए। लेकिन पिथियस ने कहा, नहीं, फांसी की सजा मुझे मिलनी चाहिए। तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो? तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए था। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल कभी पहले नहीं देखी थी। मिसाल का अर्थ है उदाहरण। राजा ने ऐसी मित्रता पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। मंत्रमुग्ध का अर्थ है मोहित। कुछ देर तक वह दोनों को मोहित होकर देखता रहा। फिर अपने आसन से उतरकर, जिस आसन पर, जिस सीट पर राजा बैठा था, वह वहाँ से उठा और उन दोनों के पास चला गया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को न मिली, न ही सुनने को। राजा ने ऐसी मित्रता ना तो कभी किसी की देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। आप दोनों से किसी को सजा नहीं मिलेगी। तो राजा ने कहा, आप दोनों में से किसी को भी कोई सजा नहीं मिलेगी। यदि आप दोनों चाहे तो मेरे मित्र बन जाए। अब राजा भी उनके साथ उनकी मित्रता में शामिल होना चाहता था। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली। पिथियस और दामन ने राजा का हाथ चूमा और उनसे दोस्ती कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई। मित्रता, दोस्ती का अर्थ है मित्रता और शक्ति का अर्थ है ताकत। इन दोनों की दोस्ती से राजा की ताकत और भी बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। इनकार कर देना का अर्थ है मना कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। तो इस बात को सुनकर उन दोनों दोस्तों ने राजा से क्या कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि मित्रता और नौकरी दोनों को एक साथ निभाना बहुत ही मुश्किल है। सीख, तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? मित्रता का महत्व, मित्रों का साथ देना। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो अच्छे समय पर हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन बुरे समय पर वे हमारे सामने भी नहीं आते। तो हमें अपने मित्रों का साथ सुख दुख दोनों में देना चाहिए। मुसीबतों का मिलकर सामना करना। जिस मित्र के ऊपर मुसीबत आई है, उसके साथ खड़ा होकर मुसीबत का सामना करना। कठिन शब्द, अब हम पाठ 5 सच्ची मित्रता से संबंधित कठिन शब्द का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 यूनान, नंबर 2 राजधानी, नंबर 3 एथेंस, नंबर 4 दामन, नंबर 5 पिथियस, नंबर 6 बादशाह, नंबर 7 फांसी, नंबर 8 सजा, नंबर 9 निर्दोष, नंबर 10 अत्याचारी। नंबर 1 यूनान, नंबर 2 राजधानी, नंबर 3
एथेंस नंबर 4, डामन नंबर 5, पिथियस नंबर 6, बादशाह नंबर 7, फांसी नंबर 8, सजा नंबर 9, निर्दोष नंबर 10, अत्याचारी। नंबर 11 है परिवार, नंबर 12 है इजाज़त, नंबर 13 है हाजिर, नंबर 14 है दुष्ट, नंबर 15 है मिसाल, नंबर 16 है मंत्रमुग्ध, नंबर 17 है घुड़सवार, नंबर 18 है शर्त, नंबर 19 नौछावर, नंबर 20 प्रसन्न। नंबर 11 है परिवार, नंबर 12 है इजाज़त, नंबर 13 है हाजिर, नंबर 14 है दुष्ट, नंबर 15 है मिसाल, नंबर 16 है मंत्रमुग्ध, नंबर 17 है घुड़सवार, नंबर 18 है शर्त, नंबर 19 न्योछावर, नंबर 20 प्रसर। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ। दंड, दंड का अर्थ है सजा। अत्याचारी, अन्याय करने वाला, और इसका दूसरा अर्थ होता है क्रूर। राजा अत्याचारी था, क्रूर था, अन्याय करने वाला था। निर्दोष, जिसका दोष न हो। इजाजत, आज्ञा, और इसका दूसरा अर्थ है अनुमति। हाजिर, उपस्थित। दंड, सजा। अत्याचारी, अन्याय करने वाला, और दूसरा अर्थ है क्रूर। निर्दोष, जिसका दोष न हो। इजाजत, आज्ञा और अनुमति। हाजिर, उपस्थित। मिसाल, उदाहरण। मिसाल, उदाहरण। इनकार करना, मना करना। इनकार करना, मना करना। जल्लाद, फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति। जल्लाद, फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति। मंत्रमुग्ध, मोहित। मंत्रमुग्ध, मोहित। मित्र, दोस्त। मित्र, दोस्त। प्राण नौछावर करना, जान दे देना। प्राण नौछावर करना, जान दे देना। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। सही विकल्प चुनकर उसके सामने टिक लगाइए। क, राजा कैसा था? नंबर 1, ईमानदार था। नंबर 2, अत्याचारी था। नंबर 3, विनम्र था। नंबर 4, लालची था। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, अत्याचारी था। जैसे कि मैंने अभी आपको अत्याचारी का अर्थ भी बताया, अन्याय करने वाला और क्रूर था, छोटी छोटी गलती पर सबको फांसी की सजा दे देता था। ख, क्या साथ साथ निभाना कठिन था? नंबर 1, मित्रता और शत्रुता। शत्रुता का अर्थ होता है दुश्मनी। नंबर 2, नौकरी और शत्रुता। नंबर 3, मित्रता और नौकरी। नंबर 4, नौकरी और व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ है बिजनेस। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, मित्रता और नौकरी। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के डैश था या थे? तो इसका सही उत्तर है थे। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। ख, तुम्हारी अंतिम इच्छा
क्या डैश है या हैं? इसका सही उत्तर है। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ग, फांसी का समय हो डैश गया या गए? तो इसका सही उत्तर है गया, फांसी का समय हो गया। घ, दोनों लड़ने झगड़ने डैश लगा या लगे? इसका सही उत्तर है लगे, दोनों लड़ने झगड़ने लगे। अण, कुछ देर तक वे दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता डैश रहे या रहा? तो इसका सही उत्तर है रह, कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। तो आशा करती हूँ आपको आज व्याख्यान दो का अध्ययन करने में बहुत आनंद आया होगा। अब मैं आपको व्याख्यान दो से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। गृह कार्य, हिंदी, कक्षा में कराए गए कठिन शब्द कॉपी में लिखो। कक्षा में कराए गए कठिन शब्द कॉपी में लिखो। मैंने आपको 120 कठिन शब्द आज कक्षा में समझाए हैं। आपको 120 तक कठिन शब्द का अध्ययन कॉपी में करना है। अब हम व्याख्यान एक से संबंधित गृह कार्य की पहचान करेंगे। अब हम जांचेंगे कि आपने गृह कार्य को कैसा किया, क्या आपके प्रश्नों के उत्तर ठीक है या नहीं। तो अब हम व्याख्यान एक से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर कॉपी में लिखिए। आशा करती हूँ कि आपने प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। क, यूनान की राजधानी का नाम बताइए। उत्तर, यूनान की राजधानी का नाम एथेंस है। यूनान की राजधानी का नाम एथेंस है। ख, दोनों मित्रों के नाम बताइए। इस पाठ में दोनों मित्र थे जो कि बहुत ही सच्चे थे, एक दूसरे का हमेशा सुख दुख में साथ देते थे, तो उनके नाम है डामन और पिथियस। डामन और पिथियस। ग, डामन की अंतिम इच्छा क्या थी? ग, डामन की अंतिम इच्छा क्या थी? उत्तर, डामन की अंतिम इच्छा थी कि वह अपने परिवार से मिलने जाना चाहता था। डामन की अंतिम इच्छा थी कि वह अपने परिवार से मिलने जाना चाहता था। घ, राजा कैसा था? राजा अत्याचारी था। राजा कैसा था? राजा अत्याचारी था, क्रूर था, अन्याय करने वाला था, छोटी छोटी बात पर सबको फांसी की सजा दे देने वाला था। अण, इस पाठ से आपने क्या सीखा? उत्तर, इस पाठ से हमने मित्रता के महत्व के बारे में सीखा कि जीवन में एक मित्र का होना बहुत ही जरूरी है ताकि हम अपने दिल की सभी बातें उसके साथ शेयर कर सके, उसको बता सके। तो इस पाठ से हमने मित्रता के महत्व के बारे में सीखा। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।